हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग के डिनर में कुछ खास बन रहा है, क्योंकि हम लोग रहते हैं बेंगलोर में। तो बेंगलोर में हम लोग तो जो हमारे छत्तीसगढ़ में सील में पीसते हैं उड़द दाल के लिए, बड़ा बनाने के लिए, जो वो इधर हम लोग कर नहीं पाते, क्योंकि इधर तो सील होता नहीं हम लोग पास। तो उसको हम लोगों ने मिक्सर ग्राइंडर में पीसा है और उसका आज बना रहे हैं हम लोग बड़ा। तो आइए देखते हैं, इधर चल रहा है बड़ा बनाने का प्रोसेस। मैडम जी बना रहे हैं और थोड़ी देर में हम करेंगे डिनर बड़ा का, क्योंकि यहाँ तो हम लोग कुछ त्यौहार का भी पता नहीं चलता है। काम धंधे में क्या त्यौहार हो रहा है कुछ भी आता पता नहीं रहता है शहर में। तो बहुत दिनों बाद मिक्सर ग्राइंडर अभी नया लिए हैं, तो इस वजह से हम उस बड़ा बनाना संभव हो पाया है। और इधर जो मिलता है मार्केट में उस वो सूजी आटा मिक्स होता है उसमें, इसीलिए उतना खास नहीं लगता गांव के जैसे। तो ये प्योर उड़द दाल का बड़ा बना रहे हैं हम लोग अभी, साथ में हल्का सा चावल भी डाल दिए हैं। तो दिखाते हैं अभी जो बना रहे हैं मैडम जी उसको। बड़ा बनाने का मैटर तैयार कर लिया है एक गंज, और इधर चल रहा है कढ़ाई में बड़ा बनाने का प्रोसेस, जिसमें मिक्सर ग्राइंडर में एक प्रॉब्लम होता है, इसमें जो मीटर तैयार करते हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा ढीला हो जाता है, क्योंकि पानी डाल के पीसना पड़ता है मिक्सर में, इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा ढीला हो जाता है, नमक डालने पर और ज़्यादा ढीला हो जाता है। तो इसमें इसका शेप थोड़ा बिगड़ जाता है, साइज अच्छा से नहीं होता है अपने हिसाब से। फिर भी एक हिसाब से देख सकते हो काफ़ी अच्छा शेप बना दिया गया है। और बड़ा के साथ खाने के लिए हमने पताल का, सॉरी टमाटर का सब्जी बना लिया है, और साथ में ये छोटा वाला जार में लगभग आधा से थोड़ा सा ऊपर है मिर्ची का पेस्ट तैयार कर लिया है, मिर्ची का चटनी, क्योंकि छत्तीसगढ़िया लोग मिर्ची के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम जी? या बोलूं अब ये बनेगा, उसके बाद मेरे मोटू जी जम कर खाएंगे। वो तो हम खाएंगे ही, क्योंकि इसी का तो हम वेट कर रहे थे कई महीनों से। कितना रोटी खा लेंगे आप? लगभग 15-20 तो बनता ही है ना। तो दोस्तों, मेरा रात का डिनर रेडी हो गया है, अब हम सर्व करते हैं। तो कैसा लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है? और ये मिर्ची का चटनी क्यों नहीं खा रहे? तो देखिए दोस्तों, कैसे दम कर झेल रहे हैं। पूरा आसन जमा के बैठे हैं। अभी तो फोर ही दिखाई दे रहा है और खा लिए हैं।